हेलो गाइस, तो हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं कान्हा का अन्नप्राशन करने के लिए। तो यहाँ पे ये मेरी सासू माँ है, वो जला रही हैं जोत हनुमान जी के सामने। और ये देवी जी का मंदिर है, मतलब फेमस देवी जी का ये मंदिर का है। तो नौमी वाले दिन भी अच्छा था। और यहाँ पे मैं चांदी की कटोरी और चांदी की चम्मच निकाल रही हूँ उससे अन्नप्राशन करने के लिए। अन्नप्राशन में क्या है, वो कच्चा दूध और कच्चे चावल, दूध में ही कच्चे चावल मिला के ले जाते हैं। तो अभी ना अभी इसको वो सब पहना रही हैं, वो होता है ना नजरिया वगैरह पैरों के और हाथ के और कमर में जो पहनाया जाता है ना धागे वाला, काले धागे का, वो आपको भी पता होगा। तो पहले वो सारे नए पहनाए जाते हैं, पहले से पहना हुआ था तो ये पहले वाले मैं उतार दूंगी। और सारे ये देखिए मंदिर में कितनी भीड़ है, बहुत भीड़ थी मंदिर में आज, नौमी भी थी ना। तो जबकि हम लोग लेट गए हैं, हम लोग करीब गए हैं 3 बजे शाम को, तब इतनी भीड़ थी। भीड़ हमने सोचा कि सुबह ज़्यादा भीड़ होगी, सब लोग प्रसाद जैसे नौमी पूजने आते हैं, पहले माता को भोग लगता है फिर अपने घर का लगाते हैं, तो वही इस वजह से हम लोग और लेट आए। ये पति देव बैठे मुस्कुरा रहे। तो ये मैंने आप लोग को चांदी की कटोरी और चम्मच नहीं दिखाया था ब्लॉग में, भूल गई थी मैं दिखाना, मैं इसके लिए खरीद के लिए, तो मैं वही ऐसे दिखा रही थी। ये रही चांदी की कटोरी और चम्मच, बहुत ही प्यारी सी कटोरी थी। और गिलास नहीं ले पाई, फिर इन्होंने कहा छोड़ो गिलास रहने दो, चम्मच से वो करना है, पानी थोड़ा उसे पिलाना है। मैंने कहा हाँ ये भी बात तुम सही कह रहे हो। तो बस ये बैठे बैठे, एक तो इनकी इतनी गंदी आदत है क्लिप लेना भूल जाते हैं। और ये मैंने कान्हा को लिया है गोदी में, और ये सासू माँ पूजा कर रही है, जो चढ़ता उड़ता होगा ना, पुए गुलगुले वगैरह बनते हैं। और ये पता नहीं क्या, सबका अपना अलग अलग रिवाज है सब जगह, जैसे मेरे मायके में कुछ और होता है। और ये देखिए चांदी की चम्मच से ये पी रहे हैं दूध, कच्चा दूध और उसमें कच्चे चावल पड़े हुए हैं। फिर यही घर पे जाता है दूध और कच्चे चावल, फिर इसकी खीर बनती है, मतलब और उसमें दूध मिला लिया जाता है और चावल मिला लिए जाते हैं, फिर वो खीर बनती है। फिर वो घर के सारे लोग खाते हैं, और थोड़ा सा काना भी, मतलब वो हल्की सी खीर खाएगा। तो मैं इनसे कह रही थी चलो अब इसके चटावन हो गया, जो अन्नप्राशन होता है उसे चटावन भी बोलते हैं ना, मैंने कहा अब क्या करेंगे, अब इसको ना थोड़ा थोड़ा सा सेरेलेक वगैरह दे रही है। नहीं, एक तो 1 महीने पहले हो गया है वो, और तुम अभी से देने, अभी 4 महीने का 5वें महीने में लगाई, उस हिसाब से तो ये 4थे महीने में लगा है, कि मतलब 8 8 महीने कंप्लीट होते हुए भी हुआ था। आप लोग को तो पता ही है कि जल्दी से ऑपरेशन किया गया था इनको निकालने के लिए, दिक्कत हो रही थी मुझे, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो ये हो गया कान्हा का अन्नप्राशन। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दशहरे की। आज है दशहरा, और कल तो आपने देख लिया कि कान्हा का अन्नप्राशन हो गया है। और मैं बस अभी बस जस्ट नहा कर आई हूँ, और मैंने सोचा कि ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, कि कल एंड नहीं कर पाई थी मैं। और टंटीन अभी बैठी हुई हैं और कान्हा सो रहा है, उसे नहला वहला के मैंने सुला दिया, आज जल्दी मैंने उसको नहला दिया, मसाज वगैरह कर दिया था। और हस्बैंड गए ऑफिस, आज उनकी छुट्टी नहीं है, छुट्टी कल उन्होंने ली थी। और दशहरे की छुट्टी वैसे भी नहीं होती है उनकी, और मैंने सोचा कि चलिए अभी मैं कपड़े भी धुल के आई हूँ, बहुत सारा काम किया है मैंने आज, बहुत ही सारा काम, कपड़े हाथ से बहुत सारे धुले हैं, आपको दिखाती हूँ। बस मशीन ले ही लेंगे, कुछ दिन की बात और है। और यहाँ पे अंधेरा है, यहाँ पे वो कान्हा सो रहा है ना, और एंजल बैठी हुई है, आपको दिखाती हूँ मैंने कितने सारे कपड़े धुले हैं। ये देखिए मशीन के ऊपर रखे हैं मैंने धुल के, ये ना थोड़ा सा इनका पानी ना टपक जाए, पानी अच्छे से वो हो जाएगा तो फिर मैं ना इसे डाल दूँगी तो ये जल्दी सूख जाएंगे। क्या हुआ, कुछ कहना था, अभी एंजल झाँक के गई है कैमरे में, क्या कुछ कहना चाह रही थी, क्या बताओ हैं। और माता रानी की चौकी वगैरह जो लगाई थी, जो हमने जो जॉब वगैरह हुए थे उसका भी विसर्जन करवा दिया। ये देखिए मंदिर की सफाई करेंगे, दिवाली आ रही है, ये ब्लैक ब्लैक सा हो गया, कपूर जलता है ना तो पूरा ये छतर बाबा का पूरा ब्लैक हो गया, तो ये सब गर्म पानी में ही क्लीन होगा, सारा कुछ अच्छे से क्लीन होगा। अब दिवाली का टाइम ही होगा, 2 4 दिन 4 5 दिन पहले मैं अच्छे से इसको क्लीन व्लीन कर दूंगी। और अन्नप्राशन हो गया है कान्हा का, मैं सोच रही हूँ ना, 1 मिनट अंधेरा है जग जाएगा। और मैं सोच रही हूँ कि अब ना थोड़ा सा इसको ना मूंग की दाल का पानी देना शुरू करूँ, अभी तो 4 महीने का ही हुआ है, 5वें महीने में लगा है, लेकिन एक एक चम्मच में देने की कोशिश करूँगी, वो दुबला बहुत है ना, तो देखती हूँ इसको हजम होता है कि नहीं। और अभी थोड़ा सा 5 महीने का हो जाए तो मैं सेरेलेक इसका स्टार्ट करूँगी पतला। वैसे मेरी एक फ्रेंड ने तो बोला है कि सेरेलेक थोड़ा थोड़ा सा देना, आधा चम्मच एकदम पतला करके देना शुरू कर दो, लेकिन मैं अभी सोच रही अभी नहीं करूँगी, अभी दिक्कत ना हो जाए इस वजह से नहीं करूँगी। हाँ बेटा इधर आओ, एंजल है वो दीदी है। और बस मैं मेरे बाल गीले, आज मैंने हेड वॉश किया था,
और थकान बहुत ज़्यादा हो गई। कल मंदिर में बहुत थक गए थे, बहुत ज़्यादा, 2.5-3 घंटे लगे थे अभी मंदिर में। बहुत ही भीड़ तो थी ही, पर उतनी भीड़ नहीं थी जितनी पहले होती थी ना, वैसी भीड़ नहीं थी। मतलब फिर भी थकान तो हो ही जाती है, और धूप का गर्मी इतनी थी, इतनी गर्मी थी कि हालत ख़राब हो गई। लेकिन काना, सही बताऊँ, काना बिल्कुल भी नहीं रोया, उसने पूरे मज़े लिए हैं। 3 घंटे पूरा मतलब पब्लिक को देख रहा था, क्योंकि वो बाहर निकलता ही नहीं है, ना के बराबर ही बाहर निकला। एक बार डॉक्टर के यहाँ गया था और एक बार मंदिर गया था, और कल पहली बार वो बाहर निकला है इतनी देर के लिए। नहीं तो बाहर तो कभी निकला ही नहीं, मतलब रोशनी उसने बाहर की देखी ही नहीं। तो कल उसने बहुत एंजॉय किया, बहुत 3 घंटे से उसने दूध नहीं मांगा, और हंसता रहा और देखता रहा पब्लिक को। मतलब उसे देख के ये लग रहा है कि वो घुमक्कड़ होगा मेरी तरह, क्योंकि मैं ना घूमना फिरना बहुत पसंद करती हूँ शुरू से ही, बचपन से ही। मेरे मम्मी पापा कहते थे बहुत ही ज़्यादा घुमक्कड़ थी, तो वो मेरे पे ही जाएगा, मैं समझ गई उसकी हरकतें देख के। तो मैंने सोचा ब्लॉग का एंड भी कर देती हूँ, नहीं तो ब्लॉग बहुत बड़ा लंबा हो जाएगी। कल वाला ब्लॉग आधा ही गया था, आप पूरा नहीं जा पाया था। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी बता दीजिएगा। सिंपल तरीके से काना की थी, जो होता है मेरे हस्बैंड के ससुराल, मतलब ससुराल में कह रही हूँ मैके में, मतलब मेरे ससुराल में जो होता है उसी तरीके से अन्नप्राशन किया गया था। कच्चे चावल और दूध लेके जाते हैं, फिर वही कच्चे चावल और दूध ना वहाँ पे मंदिर में चटाते हैं, फिर वही आके दूध और चावल मिलता है, फिर खीर बनती है। तो खीर बनी आके घर पे, खीर भी बनी, मतलब कच्चे चावल और दूध चटाते हैं। मतलब सबका अपना अपना रिवाज है, जैसा भी हो। तो कल अन्नप्राशन हो गया, ये भी काम हो गया। अब मैं खुशबू से, और मैंने चांदी की कटोरी या चम्मच उसके लिए लेकर आई थी, चांदी की चम्मच और चांदी की कटोरी, उससे मैंने उसका अन्नप्राशन किया है, क्योंकि कहते हैं कि चांदी के चम्मच से चाटना बहुत ही शुभ होता है। तो बस हो गया, और वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बता दीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यू हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट बार। एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैं ना आजकल वीडियो क्लिप ले ही नहीं पाती हूँ। मैं कहीं जाती हूँ तो एक फ़ोन मैं घर पे छोड़ के जाती हूँ, क्योंकि टिनटिन और एंजल घर पे रहती हैं, और कभी बाई चांस खाना को भी छोड़ के जाती हूँ, किसी काम के लिए कोई सामान खरीदने जा रही हूँ, तो एक फ़ोन घर पे रहता है। तो 3 फ़ोन, एक फ़ोन ऐसे ही ख़राब है, तो ये मेरा वाला फ़ोन घर पे रहता है, और हस्बैंड का फ़ोन वो भूल जाते हैं क्लिप लेना। तो कितनी सारी मेरे ना ब्लॉग ही अच्छे नहीं बन पाते, सही बताऊँ तो। मैं इनसे बोलती हूँ कि क्लिप लेना मत भूला करो, कम से कम एटलीस्ट ब्लॉग का मतलब ही ये होता है कि जो हम कर रहे हैं वही हम दिखाएं। तो अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।